प्लीज आ जाइए स्टेज पर. थैंक यू सर. अरशद सिद्दीकी प्लीज कम ऑन स्टेज. ये गूगल पे अगर सर्च कर दिया तो कॉमेडी कपिल कॉमेडी करके आता था, कॉमेडी सर्कस करके आता था. इसके वजह से कॉमेडी का तड़का ये पता नहीं चलता था. इसके लिए हमने डायरेक्टर और हमारे सभी टीम के साथ बातचीत करके ये मूवी का नाम चेंज करके हमने तीन शनि नाम रख दिया है. ये तीन शनि बहुत ही अच्छी मूवी है, ये आप लोगों को देखने के बाद पता चलेगा. थैंक यू. आप क्या कहेंगे टाइटल के बारे में? रिजल्ट कैसा लग रहा है? अच्छा, ये तो आपने बहुत बड़ी फिल्म के साथ कंपेयर कर दिया. आई होप जितना सक्सेस उसे बॉक्स ऑफिस पे मिला, जितना प्यार ऑडियंस ने दिया, वैसा ही प्यार हमें भी मिले. वो भी लेजेंड है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कहीं अच्छा नाम कमाएं इंडस्ट्री के अंदर. बहुत ही प्यारा टाइटल लगा मुझे तीन शाने. पहला टाइटल भी अच्छा था और तीन शाने भी बहुत अच्छा है. मुझे याद है मेरी नानी जब मैं छोटा था तो बोलती थी कि जब तू सयाना हो जाएगा ना, सयाना हो जाएगा बेटा, तब तेरी शादी कराएंगे. तो मैं सयाने होने का वेट कर रहा था, समझदार होने का वेट कर रहा था, लेकिन इस फिल्म में मैं शाना बन गया. तो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस. एक होता है सयाना जो समझदार होता है, और जब वो ज्यादा समझदार हो जाता है, जो कभी कभी सेहत के लिए हानिकारक भी हो जाता है, उसे शाना बोलते हैं. तो ये तीन शानों की कहानी है और आपको देख के बहुत मजा आएगा इसको. आपका कैसा अनुभव रहा फिल्म की शूटिंग के दौरान? जी बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छी लगी कहानी. बहुत यूथ ओरिएंटेड कहानी है और तीन सयाने जैसे देव बता रहे थे कि इट्स अबाउट यू नो बॉयज टर्निंग इनटू मेन, देयर फॉलीज, देयर मिस्टेक्स एंड हाउ दे डील विद इट, हाउ लाइफ टीचेस देम अ लेसन एंड हाउ पीपल हेल्प देम. सो इट्स अ वेरी ह्यूमन, बहुत ही आजकल की और मतलब ह्यूमन कहानी. आई रियली लव द स्टोरी एंड आई होप वी मेड अ गुड फिल्म आउट ऑफ इट. ओके अर्जुमन, आप क्या कहना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में? मेरे किरदार के बारे में बताया ना अभी भी आपको, मैं इसमें एक कैरेक्टर रोल प्ले कर रही हूँ और मतलब ये कैरेक्टर जो है वो प्रियांशु जी के अपोजिट में है, जिसमें मैं उनकी लव इंटरेस्ट हूँ, उनकी बीवी हूँ. और ये एक ऐसी एक्चुअली मेरा रोल एक ऐसा रोल है जो एक बहुत ही सरभरी सी बेवकूफ़ सी लड़की है जो मतलब प्यार के चक्कर में शादी कर लेती है अपने घर वालों के खिलाफ. सो इस तरह का कैरेक्टर है, इस सरभरा टाइप का कैरेक्टर है मेरा. तो मुझे लगता है कि आप लोग जब देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. तो बेहतर है कि मेरा कैरेक्टर देखा जाए, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा. बट इसके अलावा भी मैं कहना चाहूँगी कि हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके ये फिल्म बनाई है और इसमें जो हमारे आर्टिस्ट हैं, प्रियांशु सर हैं, बहुत अमेजिंग कलाकार हैं, और देव शर्मा हैं, अनुप्रिया लक्ष्मी कटोच जो है हमारी हीरोइन है, जो आप सब ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की है. इसमें निशांत तनवर और कुणाल ने भी बहुत अच्छा काम किया है. हमारे डायरेक्टर हैं, इज़ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर एंड रियली इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड. इस मूवी में मेरे को बहुत मज़ा आया. संजय सर ने मुझे बहुत इज्जत दी. मेरे को प्राउड फील होता है कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसे प्रोड्यूसर भी होते हैं जो जिनको बोलते हैं कि ग्लैमर ये वो, उनको इनसे कोई मतलब नहीं है. उनको सिर्फ ये है कि सब अच्छा होना चाहिए, सबको अच्छे से काम मिलना चाहिए, सब लड़कियों की इज्जत होनी चाहिए. इन्होंने हम सबको प्यार दिया, सबको. और मैं दुआ करती हूँ कि ये प्रोड्यूसर ऐसे ही बने रहे और मेरे अलावा भी बहुत सारी लड़कियों को ऐसे ये चांस दे, तो कितने लकी होंगे वो कि उनको ऐसे प्रोड्यूसर के साथ काम करने का मौका मिलेगा. और थैंक यू सर, थैंक यू कि आपने मुझे अपनी मूवी में चांस दिया. मतलब मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ और मेरे लिए ये ना भगवान के समान है. और
अमरजीत सर ना मेरे लिए भगवान के एक दूत थे जो आए थे और जिन्होंने मुझे इतने अच्छे इंसान से मिलाया और मैंने ये टीम शाने की, मुझे बहुत मजा आया। हिमाचल के हम दो लोग हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। शुक्रगुजार हूं कि आप हमको कवर कर रहे हैं। अनुप्रिया जी को हम जो है अमरजीत सिंह साहब जो है हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जो है मुलाकात करवाई, तो बातचीत करने के बाद हमने ऑडिशन ले लिया। हमने सभी से जो है हमने बातचीत की, जब बातचीत में उनका जो है कैसे पेश आना ये है उससे मद्देनजर रखते हुए मैं प्रोड्यूसर सर और हमारे नंदा जी सब मिलकर बैठ के डिसाइड की कि जो है लीड में हम इनको लेते हैं। तो इस तरह जो है अनुप्रिया जी को हमने लिया। ये सब मेरे मेहनत तो है ही, मेरे साथ साथ अनीस भाई की भी मेहनत है, क्योंकि एक अच्छा डायरेक्टर इतना अच्छा काम निकलवा सकता है। तो ये जो भी मैं अच्छा कर पाया हूँ सब अनीस भाई का कमाल है वो, और मैं जो जो भी है गाने अच्छे बन पाए आपके सामने देखे आपने। बाकी सपोर्ट करें फिल्म को और सराहें गाने को। और जर्नी ऐसी है कि फर्स्ट टाइम इनसे मीटिंग हुई थी, अनीस सर से हुई उनके ऑफिस में, तो इन्होंने बुलाया, निर्देशन दिया सुन के, क्योंकि आजकल लोगों को ना टेंशन परेशानी है बहुत लाइफ में, तो वो देखना चाहते हैं कॉमेडी, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा लाइट होने के लिए जाते हैं थिएटर्स में। हम घर में परेशान हैं, थिएटर्स में जाकर भी अपना दिमाग ले आके ये क्या हुआ, ये कत्ल क्यों हुआ, तो इससे बेटर है अपना लाइट करें। तो मैं फर्स्ट टाइम हूँ जो मैं ऐसे कॉमेडी मूवी में रहा हूँ, और बहुत चीज़ें थी, बहुत मज़ा आया सबसे काम करने में, तो ऐसा।